दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो अभी भाई बज रहे हैं सुबह के 4 और एक और नए दिन और नए सफर की शुरुआत हो चुकी है। आज जा रहा हूँ द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर के मंदिर में, जो कि है मेरे घर से लगभग 450-450 किलोमीटर के आसपास। तो भाई निकलते हैं, अभी करते हैं अपनी जर्नी शुरू। निकल चुके हैं हम अपने घर से और हमने जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी। अभी टाइम हुआ है 4 बज रहे हैं, अभी अपनी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। हर हर महादेव। जो हमारा रूट होने वाला है वो है, आज हमने नजरगढ़ से लिया है रोहतक हाईवे, फिर वहां से केएमपी से होते हुए हम जाएंगे मेरठ रोड की हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए दीपरयाग और फिर सीधा रांची भी ले सकते जाएंगे और फिर कल करेंगे हम मध्य महेश्वर भगवान जी का ट्रैक। अभी बजे 8 और अभी पहुंच गए हम मुजफ्फरनगर। तो यार यहाँ पे अभी एक चाय लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर निकलेंगे। तो अभी मुजफ्फरनगर क्रॉस कर दिया है और अभी जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार बचा है यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास और हम आया घर से अभी 200 किलोमीटर। तो मुझे ऋषिकेश पहुंच चुका हूं और अभी टाइम हुआ है 10:30 बजे अभी, और लगभग हमने डिस्टेंस कवर किया है 300 किलोमीटर आ चुका हूं मैं घर से। तो भाई अभी ना मैं हूं जो ऋषिकेश से देवप्रयाग के लिए बाईपास जाता है उस पर। तो अब देखते हैं भाई यहां पे ब्रेकफास्ट करेंगे ऋषिकेश में ही। फाइनली पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो चुका है, प्लेन रास्ता खत्म है। अब पूरा हमें 200 किलोमीटर पूरे पहाड़ में ड्राइव करनी है। अभी एक ब्रेक लिया है यहाँ पे खाऊंगा छोले कुलचे फूड ट्रक पे। और भाई अभी हम ऋषिकेश में, यार ऋषिकेश से अभी हम थोड़े ऊपर ही आए हैं। तो जी अभी आनंद लेते हैं छोले कुलचे का, खा के फिर निकलते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। छोले कुलचे खाने के बाद निकल चुका हूँ मैं दोबारा अपने डेस्टिनेशन के लिए। अभी टाइम हुआ है 11:20 और अभी है भाई यहाँ से रांची का और लगभग 190-200 किलोमीटर के आसपास लगेंगे भाई 6-7 घंटे 7-8 घंटे हिंदी चलते हैं आराम से नज़ारों के मजे लेते हुए। तो जी अभी हूँ मैं देवप्रयाग संगम पर और ये देखो भाई भागीरथी और अलकनंदा रिवर का संगम, और यहीं से आप गंगा जी बनकर चलती है दोनों नदियाँ। हर हर महादेव, हर हर गंगे। भाई जो मटमैल है ये अलकनंदा और जो साफ है ये है भागीरथी रिवर और ये है देवप्रयाग संगम। हाँ जी, तो भाई अभी था मैं देवप्रयाग संगम पर। तो टाइम हुआ है अभी 1 बज रहे हैं और अभी हमारा डिस्टेंस बच हुआ है लगभग 130 किलोमीटर के आसपास। तो अभी भी हमें लगेंगे लगभग अराउंड 4 घंटे वहाँ पर पहुँचने में। तो भाई निकलते हैं यहाँ से अभी देवप्रयाग संगम से। हर हर महादेव। श्रीनगर पहुँच चुके और ये देखो भाई श्रीनगर का व्यू, वो आगे सिटी और ये पूरी अलकनंदा रिवर है। तो जी ये देखो श्रीनगर की खूबसूरती, ये अलकनंदा रिवर और व्यू देखो यार कितना बढ़िया है, कितना जबरदस्त भाई गजब। वो खड़ी अपनी गाड़ी और ये रहा शानदार व्यू। तो दोस्तों दारी देवी टेम्पल पहुंच चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 3 और भाई ये रहा दारी देवी जी का टेम्पल। और भाई ऐसा कहा जाता है कि दारी देवी जी उत्तराखंड के चारों धाम की रक्षा करती है। जय माता। तो जी ये रास्ता है दारी देवी माता का, ये गेट है। जय माता दी। करण प्रयाग रेलवे का काम चला हुआ है यहाँ पर, ये कंप्लीट होते ही फिर आप बाय ट्रेन करण प्रयाग तक पहुंच पाओगे। अभी तो लास्ट स्टेशन जो ट्रेन का वो ऋषिकेश है, ये कंप्लीट होने के बाद आप करण प्रयाग तक सीधे डायरेक्ट बाय ट्रेन जा सकते हो। फिर रुद्रप्रयाग पहुंच गया हूँ भाई और वो सामने है रुद्रप्रयाग और अभी जा रहा हूँ मैं बाईपास लेके और ये है रुद्रप्रयाग का बाईपास अलकनंदा रिवर के ऊपर से। ये बाईपास कर गए हम रुद्रप्रयाग को यहाँ से।
भाई ये है रुद्रप्रयाग सिटी जिसको हम बाईपास करके आ गया, निकल चुके रुद्रप्रयाग से। तो जी अभी हूँ मैं अगस्त मुनि में और यहाँ से देखो आप बिल्कुल हिमालय रेंज देखने लग गई है, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। तो भाई कुंड से निकल चुके हैं, केदारनाथ हाईवे अब अलग हो गया और हमारा रास्ता अलग है। ये कुंड से सीधा रास्ता जाता है चोपता तुंगनाथ मध्य महेश्वर वैली, और जो उधर रास्ता जा रहा है वो जाता है केदारनाथ। तो जी कुंड से जो हमने चोपता वाला रास्ता लिया है बिल्कुल नैरो रास्ता। तो भाई ये देखो बिल्कुल नैरो रास्ता है, एक बार में एक ही गाड़ी निकलेगी, और रास्ता भी प्रॉपर नहीं बना, ये वाला जगह जगह खराब भी है रास्ता। देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है क्योंकि रास्ता पतला है और खराब भी है। और वो देखो भाई स्नो कैप माउंटेन, तो भाई वो है गुप्त काशी। अभी बज रहे हैं 5 और ऊखीमठ पहुंच गया हूँ। अभी भी हमारा डेस्टिनेशन बचा हुआ है लगभग 30-35 किलोमीटर के आसपास। तो जी ऊखीमठ से निकल चुका हूँ, ये रहा ऊखीमठ, ये है ऊखीमठ, और वो सामने उस पहाड़ी पर है गुप्त काशी, और वो रास्ता है वो है भाई केदार हाईवे, केदारनाथ हाईवे, और ये भाई स्नो पीक्स हिमालय रेंज, ये शायद चोखंबा है ये वाली रेंज। तो भाई चलते हैं, अभी अपना डेस्टिनेशन लगभग 30-35 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। तो भाई देखते हैं, लगेंगे लगभग 1-1.5 घंटा और लगेगा हमें अभी रांची गांव तक पहुंचने में। तो भाई निकलते हैं थोड़ी देर, यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर चलते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं रांची बीच की। ओ भाई साहब ये देखो भाई चोखंबा पर्वत, चोखंबा पीक बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, क्या गजब का नज़ारा था यार। ओ घना जंगल आ गया भाई अब तो, और सर्दी हो गई अब यहाँ पे ना, बाहर गाड़ी से बाहर निकल रहा हूँ तो सर्दी लग रही है अभी, क्योंकि शाम भी हो गई है और घना जंगल भी है यहाँ पे। तो जी रास्ते का हाल कुछ ऐसा हो चुका है, रास्ता हो गया बिल्कुल खराब, ऐसे में तो भाई 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाएगा टाइम, 2 घंटे भी लग सकते हैं अगर ऐसा ही पूरा रास्ता मिला तो, बहुत टाइम लग जाएगा फिर तो 30 किलोमीटर में भी। तो देखते हैं, और भाई साहब ये देखो यार चोखंबा, चोखंबा पीक कितनी क्लियर और कितनी बड़ी दिखाई दे रही है यहाँ से। खैर कल वहीं जाना है चोखंबा पीक के पास ही। तो जी मनसुना पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर लगा हुआ है जाम, मनसुना बचा है 3 किलोमीटर यहाँ से और यहाँ पे खुल गया जाम, खुल गया भाई, चलो निकलते हैं यहाँ से। अभी नहीं खुला जाम, अभी लगा ही हुआ है यहाँ पे, फिर रुक गई गाड़ियाँ, जाम लगा हुआ है अभी यहाँ पे, पता नहीं लैंडस्लाइड हुई है क्या हुई है पता नहीं भाई, रोड बिल्कुल नैरो, अगर आगे से गाड़ी आ गई तो बड़ी गाड़ी ट्रक वगैरह निकलने के लिए जगह ही नहीं रहती। तो भाई रस्तों के हाल कुछ ऐसे हैं, बिल्कुल खत्म है बिल्कुल खत्म है रस्ते, और भाई बिल्कुल इसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है हमें, पर चलो कोई नहीं चलेंगे आराम आराम से। तो भाई फाइनली अच्छी रोड आ चुकी है, ये देखो इस रोड पे पेंटिंग कर दिया, अब होपफुली रांची गांव तक ऐसी रोड हो तो भाई मज़ा ही आ जाएगा फिर तो। देखते हैं भाई कहाँ तक है ये रास्ता ऐसे। भाई फाइनली रांची पहुंच चुका हूं और होम स्टे भी ले लिया है, नर्मदा होम स्टे, और ये है भाई हमारा रूम, इसकी कॉस्ट है 1000 रुपये पर नाइट, पर रूम तो काफ़ी अच्छा है बिल्कुल साफ, और वॉशरूम भी भाई बिल्कुल साफ है, नीट एंड क्लीन, बढ़िया एक नंबर का। तो भाई रांची पहुंच चुका हूं और मैंने होम स्टे ले लिया है नर्मदा होम स्टे में, और अपना रूम है रूम नंबर 107। तो भाई अभी बहुत ठंडा है यहाँ पे, बहुत ठंडी हवाएं चल रही है, तो अभी खाना खा के चलेंगे अपने रूम पे। और ये होटल है अपने अंशु पहाड़ी भाई का,